स्टिग्मेटाइज हो जाएगा, स्टिग्मा इसको लग जाएगा, ठीक है ना। ये जो बच्चा तासरुप थे कसम, माँ उसको रिपोर्ट ही नहीं करती, किसी को बोलती भी नहीं है, डॉक्टर को भी नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि समाज में अगर ये बात फैल गई तो मेरी बेटी या मेरे बेटे के लिए रिश्ते की कल प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने आप को इस जुमरे में मत डालिए कि शायद हम कोई बिल्कुल पिछड़े हुए हम, ये हर घर ऐसे झेल रहा है इन चीजों को। हमने किसी तरह से ना एक्सक्लूसिव जो पन लाया है ना अपने अंदर, अपनी लाइफ में, अपने माहौल में, हम 2020 पॉलिसी की बात करके हम चाहते हैं कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की उसमें बात आ गई है, वो होलिस्टिक क्या है? होलिस्टिक ये है कि हम जब केमिस्ट्री बच्चे को पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्या बाहर रोड पे क्रॉस करना है रोड को वहां बायोलॉजी काम आएगी? ड्राइविंग करनी है बच्चे को, क्या उसको वहां पे केमिस्ट्री काम आएगी? उसको वहां लाइफ की एजुकेशन चाहिए, बिकॉज द सिचुएशन आउटसाइड डिमांड्स द एजुकेशन अबाउट दिस होल लाइफ ना। इट डजंट डिमांड ओनली अबाउट कि यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री। या किसी पॉलिटिकल साइंस के बच्चे को कहेंगे कि जाके हैं आप अपने लिए कोई सेल्फ मेडिकेशन जो हम कभी यूज करते हैं वो नहीं ले पाएगा, उसकी भी नॉलेज उसको होनी चाहिए, मुझे उस कौन सा मेडिसिन किस वक्त चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ये समझना है कि हमें अपने आप में ये फख्र होना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने बनाया है जिस भी एबिलिटी का बनाया है, ठीक है ना। जितनी भी एबिलिटीज मुझे दी है, पहले तो ये बात बड़ी है कि हमें हिसाब भी इन्हीं चीजों का वहां पे होगा, ठीक है ना। इन्हीं चीजों का हिसाब होगा, जानवर से किस चीज का हिसाब होगा, हाँ, ये ब्लाइंड से किस चीज का हिसाब होगा, ये जितनी अपॉर्चुनिटीज जो नॉर्मल लोग समझते हैं, अगर वो इस तनाजुर में इसको समझेंगे कि जितनी दौलत दी है परवरदिगार ने, जवानी का जवान से जवानी का के बारे में पूछा जाएगा, दौलतमंद को दौलत के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना। जितना जिसके पास माल होगा उतना ज्यादा बड़ा इम्तिहान होगा वहां पे, ठीक है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अपने आप को ये कोशिश करें कि हम अपने सेल्फ को रियलाइज करें और मुझे जो है कम ही अकाउंटेबिलिटी है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को ना इलेटेड समझें, मतलब हमें ये एजाज मिला है अल्लाह की तरफ से। बहरहाल हम दुनिया को अब्दि, ये दुनिया नहीं है, ठीक है ना, ये शॉर्ट ये दुनिया है, ये मताउन गुरूर है, कलील है, यहाँ से हमें निकलना है, ठीक है ना। ये पहले हमें दिमाग में ये होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जितने भी इस मतलब अंडरस्टैंडिंग के है कि हमें यहाँ से निकलना है और आखिरत की दुनिया जो है वो बहुत बड़ी दुनिया है, ये शॉर्ट लिव्ड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रखना चाहिए। पहला मैं वापस आता हूँ 2020 की पॉलिसी में, मैं बोल रहा हूँ कि होलिस्टिक जो डेवलपमेंट बच्चे में होनी चाहिए, जो हम बच्चे को एजुकेट करना चाहते हैं पूरी लाइफ के बारे में। इसीलिए हमारा जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर आ गया है 2020 पॉलिसी में, वो 5+3+3+4 का जो आ गया है, हम क्यों समझते हैं कि हमें थीम बेस्ड एजुकेशन बच्चे को इब्तिदा में देनी चाहिए। हम नहीं बोलते हैं बच्चे को मतलब स्ट्रेस दे के कि नहीं आपको साइंस पढ़ाया जाता है, पहले 5 साल में, अगले 3 साल में, 5+3 में बिल्कुल बच्चे को ये सेग्रीगेशन ही नहीं है सब्जेक्ट्स की। हम बच्चे को बोलते नहीं है कि आपको बायोलॉजी या आपको जूलॉजी या बॉटनी केमिस्ट्री या फिजिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है। हम बिल्कुल एक थीम दे रहे हैं उसको, सपोज हम उसको एप्पल ले रहे हैं, एप्पल एक थीम लिया हमने, उस एप्पल के बारे में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नॉलेज को, नॉलेज ऑफ साइंस, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस, हम इस चीज के साथ कनेक्ट करने की। सपोज हम टेबल पे एप्पल को रख रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चे को कि इट इज अंडर द टेबल, इट इज ऑन द टेबल, ये क्या है, ये क्या सीख रहा है बच्चा, रेस्पॉन्ड करे, वापस बोले मुझे, ये क्या सीख रहा है, ये लैंग्वेज सीख रहा है ना, प्रपोजिशन सीख रहा है, इट्स ऑन द टेबल, इट्स अंडर द टेबल, इट इज नियर द टेबल, इट इज बिहाइंड द टेबल, ये क्या है, ये प्रपोजिशन सीख रहा है बच्चा, ठीक है ना। अगर एप्पल का न्यूट्रिशनल वैल्यू बच्चे को बताएंगे क्या सिखा रहा है उसको, साइंस सिखा रहा है, ठीक है ना। अगर बच्चे को बोल रहे हैं हम कि ये एप्पल कितना है, कितने है, इसको और 10 डालो कितने हो गए, इसको 2 निकालो क्या हो गया, मैथमेटिक्स, इसको अगर हम रिलीजन के साथ कनेक्ट करें, हम उसको बोलेंगे कि प्रॉफिट ने इस एप्पल के बारे में क्या उनका उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या बोले है इसके बारे में, क्या ये सेहत के लिए ठीक है, पैगंबर ने इसको लाइक किया नहीं किया इसको, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि हम इस एक पर्टिकुलर थीम को लेके मल्टीडिसिप्लिनरी एक अप्रोच हमारा अगर होगा, तो हम एक बच्चे को स्ट्रेस दिए बगैर, हमारे प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर होता है कि हम बच्चे को जब नर्सरी में आता है,
साइंस की किताब कहाँ है, मैथमेटिक्स की किताब कहाँ है, इतना सारा स्ट्रेस बच्चे को देते हैं, बल्कि बच्चे को कोई किताब ही नहीं होनी चाहिए थी। आप थीम एक पकड़ लीजिए और एक थीम को पकड़ के ही उसके अराउंड में नॉलेज को कनेक्ट करने की कोशिश करिए और बच्चे को दे दीजिए, ताकि हम बच्चे को हम उसको लाइफ के लिए एजुकेट कराए कि जिंदगी अच्छी गुजारना वो सीखे। मैं दो बच्चों से बात कर रहा था, मैंने कहा यहाँ कौन सी फैसिलिटीज है, उन्होंने कहा यहाँ सब कुछ है। हमारे किसी भी स्कूल में रैंप इस तरह की अवेलेबल नहीं है, हमें 12 इंची का रैंप ये की हाइट होगी तो कितने सारे उसमें कितनी लेंथ होनी चाहिए, इसका हमें कोई असेसमेंट नहीं थी। इलेक्शन को भी इसमें असेसमेंट नहीं थी, ठीक है ना। हमारे किसी भी रैंप में आप देखेंगे कि रेलिंग है ही नहीं, जहां हमारे पोलिंग स्टेशन है। हम बीएलओस को क्यों एजुकेट कर रहे हैं, हम क्यों सिस्टमेटिक ये वोटर एजुकेशन बोल रहे हैं पहले, फिर बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस है, पहले एजुकेशन है। फर्स्ट बीएलओ इज सपोज टू गो टू द कम्युनिटी एंड टेल देम अबाउट कि व्हाट इज एक्चुअली सपोज टू बी डन, पोलिंग स्टेशन क्या होता है, पहले कैंडिडेट कौन होता है, पहले वोटर कौन होता है, वोटिंग से हमें क्या होता है, सोशल साइंस की एजुकेशन देते हैं, हमारा समाज कैसे अच्छा हो जाएगा, सुधर कैसे जाएगा, हमारे पॉलिटिशियंस जो आएंगे वो कैसे होने चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्यों हमें अच्छा चाहिए, क्यों, क्योंकि एजुकेशन हमें इतना कम से कम एबल बनाती है कि मतलब ये हम डिस्टिंक्शन कर पाते हैं कि अच्छा क्या है और खराब है। वरना आपको कभी कभी रिजर्वेशन होंगी, हमारे पीआरआईज जो होते हैं वो समझते हैं आपके हमारे स्कूल में आ गया, हमारे इस इदारे में आ गया, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन जो है ये पांचवी पास भी नहीं है, लेकिन मुझे अब रूल कर रहा है, पीआरआई पड़ेगा। ये हमारी गलती है कि हमने उस